मैं बैठ सकता हूँ? आओ बैठो। आओ आओ मेरी जान, आओ। नए आए हो? जा तो नंगी तस्वीरें देखो। नहीं। यस, क्या चाहिए? जी कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो गए? जी आप क्लास में आए इसलिए आपकी इज्जत के लिए खड़ा हो गया। नए आए हो? जी हाँ। कहाँ से? जी कांगड़ा कॉलेज से, इंटर साइंस किया है। क्वाइट। क्या वहां प्रोफेसर के आने पर स्टूडेंट्स उनकी इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं? यस सर। कि जानकर खुशी हुई कि हिंदुस्तान के किसी कोने में आज भी गुरु की इज्जत होती है। अभी तक इस देश के बहुत से हिस्से बैकवर्ड है सर, इल्म की रोशनी धीरे धीरे पहुंचेगी। फिर कोई नहीं खड़ा होगा सर, आप घबराइए मत। क्वाइट, यू सिट डाउन प्लीज। प्रोफेसर, क्या तेरा बाप लगता था जो उसके आने पर खड़ा हो गया? बाप के आने पर खड़ा होना क्यों जरूरी है? बाप क्या भगवान है? What's going on? ये क्लासरूम है, गप रूम नहीं। सर एक गप रूम खुलवा दीजिए, फिर ना हम आपको डिस्टर्ब करेंगे ना आप हमें। जिन्हें गप लड़ानी है वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। मैं लेक्चर शुरू करता हूँ। तो आप अपना लेक्चर दीजिए और महीने की तनख्वाह सीधी कीजिए। आपको कौन रोकता है मेरी सरकार? तुम क्लास से बाहर चले जाओ। कौन सर? तुम। नो सर, ये अकेले नहीं, हम सब जाएंगे। यस, जो लोग क्लास में डिसिप्लिन नहीं रह सकते वो क्लास से बाहर जा सकते हैं। ये आपकी गलती है सर। दोस्तों, प्रोफेसर की एटीट्यूड के खिलाफ हम सब प्रोटेस्ट करेंगे, सारी क्लास बाहर चलेगी। नहीं, सारी क्लास बाहर नहीं जाएगी। जिन लोगों को नहीं पढ़ना है वो बाहर जा सकते हैं। देखो शशिकांत, तुम स्टूडेंट की एकता को तोड़ रहे हो। नहीं, तुम स्टूडेंट्स को बदनाम कर रहे हो, तुम अपना करियर खराब कर रहे हो। बहुत हो चुका, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अल्ताफ हुसैन, प्रोफेसरों की चमचागिरी अच्छी नहीं। ठीक है, जो लोग हमारा साथ देना चाहते हैं वो सब हमारे साथ चलें। क्यों, तुम्हें हमारा साथ नहीं देना पहाड़ी ऊंट? मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, बदतमीजी के लिए नहीं, समझे? देख बे, जबरदस्ती नहीं चलेगी, समझे? शशिकांत, पढ़ने लिखने के बाद जो तुम्हें लड्डू मिलेंगे ना, खुद खा लेना। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो। थैंक यू प्रोफेसर। नाउ लेट्स स्टार्ट। अरे यार, वो प्रोफेसर बड़ा अकड़ने लगा है। हाँ यार, अब इसकी तबीयत साफ करनी पड़ेगी। अरे यार, इसमें उस प्रोफेसर बेचारे का क्या कसूर है? अरे वो कांगड़े का बंगलू है ना, उसी ने सब बंटा ढार किया हुआ है। उस बिजली के खंबे का फ्यूज उड़ा दे। किस बात पर? इसी बात पर आज रात को स्टूडेंट की अदालत में उस लंबू की लगी हो जाए। बोलो मंजूर। मंजूर। बेचो किरण, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त। किस बात की? तुम्हें देखकर ये उम्मीद होती है कि अभी देश को हम विद्यार्थियों से मायूस नहीं होना चाहिए। अब भी तुम जैसे नौजवान हैं जो बड़ों की इज्जत, अपने धर्म और अपने फर्ज की बातें करते हुए शर्माते नहीं। शर्म की क्या बात है, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए। दोस्त, इन्हीं विचारों पर कायम रहना तो हम तुम्हारे साथ हैं। एनीवे, बस चुप लग। मेरा नाम शशिकांत है। किरण। मेरा नाम अल्ताफ। किरण। और मेरा नाम देशपांडे। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मैं जाता हूँ। यार गिर जाएगा। भैया आज फिर रुपए मांग रहे हो? आज तुझे ट्यूशन के पैसे मिले होंगे ना? परसों ही तो 15 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो? जेब कट गई। सच्ची? झूठ बोलते हो। तेरी कसम में झूठ बोलते। ठीक है, छोटी बहन की कसम खाते हो इसीलिए ये लो। गिरजा, लेगा सारे पैसे, कर गया पर्स खाली। उसको जरूरत थी। पढ़ाई करती हो, ट्यूशन करके पैसा जमा करती हो, और वो बड़ा भाई होके छोटी बहन के पैसे मार के जुए में हार जाता है। भैया कहते हैं उन्होंने जुआ खेलना छोड़ दिया है। जी हाँ, छोड़ा होता तो 4 साल से फेल ना होता। गिरजा, तुम्हारा यही रवैया रहा तो उसे कभी चेतना नहीं जाती। ये क्या नाम है? आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं?
ये स्टूडेंट की अदालत है, यहाँ अदब से खड़े रहो, समझे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुलजिम के जुर्म बयान किए जाएं। मिलॉर्ड, ये वो मुलजिम है जिसने कॉलेज में आते ही नई नस्ल के नए उसूलों पर जोरदार हमला किया है। जरा गौर कीजिए, आज जबकि हम हर रिवायत और हर परंपरा को मिटा देने का फैसला कर चुके हैं और ये उन्हीं रिवाजों का झंडा उठाए कॉलेज में दाखिल होता है, भगवान और खुदा जैसी अनसाइंटिफिक चीजों पर विश्वास रखता है, बड़ों की इज्जत करता है, आज के जमाने में धर्म कर्म की बातें करता है। मिलॉर्ड, इसका सबसे बड़ा जुर्म तो अभी सामने आया ही नहीं। वो क्या? मुल्ज़िम गंगा नाम की लड़की से मोहब्बत करता है। और हुजूर, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि उससे शादी भी करना चाहता है, यानी जख्म लगाकर उस पर नमक भी छिड़कना चाहता है। मिलॉर्ड, ऑर्डर ऑर्डर, क्या ये सच है? हाँ सच है। मिलॉर्ड, मैं औरत होने के नाते अदालत से अपील करती हूँ कि बेचारी गंगा को इस गुलामी से बचाया जाए जिसे शादी कहते हैं। वाह वाह, काजी जी दुबले हो गए शहर के अंदेशे में। गंगा से मैं मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे शादी करना चाहती है। आपको बीच में क्या कष्ट हो रहा है? कष्ट नहीं बल्कि हमारा अधिकार है, क्योंकि नई नस्ल ने शादी की रस्म को खत्म करने का फैसला कर लिया है। नए पन के नाम पर नौजवान को गुमराह कर रहे हैं। नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हजूर, इस नादान मुलजिम को मेरे हवाले कर दीजिए, दो दिन में पुराने रंग धोकर नए रंग में रंग दूंगी, पूरी तरह चेंज कर दूंगी। वेरी गुड आइडिया, मुलजिम रागनी के हवाले किया जाए, अदालत का ये हुक्म है। ओके योर ऑनर। तुम मेरे स्कूटर पर बैठो। मैं किसी लड़की के साथ नहीं बैठूंगा। ए बुद्धो, ऐसा मौका बड़ी तकदीर वाले को मिलता है। अरे काहे को लड़कों की बेइज्जती करवाते हो ठाकुर, बैठ जाओ ना। अबे ठाकुरों के लड़की से डरता है, बैठ गया। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तो फिर बैठो मेरे स्कूटर में मेरे साथ। घबराओ नहीं, मेरे पास कोई हथियार हथियार नहीं है। बैठो। ये कहाँ ले जा रही हो? डाली, ये शॉर्टकट है। ओफो, मच्छर ने काट लिया, जरा मसल दो प्लीज। ए किरण, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? मेरे बदन में सनसनी हो रही है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। रियली? नाउ गेट डाउन, नीचे उतरो। तो तुम्हें गंगा से सच्ची मोहब्बत है? हाँ। झूठ? नहीं, ये सच है। अगर ये सच होता तो मेरे बदन पे हाथ फेरने से तुम्हारे रोंगटे खड़े ना होते। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, पराया बदन छूने से कुछ तो असर होगा। करेक्ट, यही तुम्हारा पहला लेसन है, पराया बदन छूने से बदन जलता है, समझे? क्या होती है मोहब्बत और क्या सच्चाई? हाय मोहब्बत, हाय जवानी, 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 हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी, हाय मोहब्बत, हाय जवानी। रागनी की फतह की खुशी में जश्न आम हो जाए। जान किरण के नाम हो जाए। मैंने पीता। अरे ठाकुरों का शराब से डरते हो? अरे कोई जबरदस्ती है क्या? पी लो जाले, गंगा के नाम पर पी लो। दोस्तों,
मोहब्बत का देवता ओंधा हो गया। ये शराब की तोहिन है, इसकी इसे सजा मिलनी चाहिए। तो इसके कपड़े उतार के इसे तालाब में फेंक दो। मेरे कपड़े दो, मेरे कपड़े दे दो ना, कपड़े दे दो ना। ठाकुर कपड़े हॉस्टल में मिलेंगे। मछली पकड़ के ला रहा ठाकुर। मैं क्या करूँगा? अरे मैं तुमको बाद में बताऊंगा, पहले यहां से चलो, जल्दी चलो। कौन है वो लोग? अरे आगे आगे। अच्छा अच्छा चलो चलो चलो, जल्दी चलते हैं।